दीदी जी, आप दादी जानकी के साथ अपने जो जीवन बिताया और कितनी बार आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, उन मुलाकातों को याद करते हुए कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। मेरा ये जीवन का सौभाग्य रहा। मैं बचपन से ही आदरणीय जानकी दादी जी से कई बार मिलते रहे और बहुत बार मुलाकात हुई। मुझे जब भी मधुबन में आते थे या हमारे पास में दादी जी आते थे तो मैं उनकी क्लास को बहुत अच्छी तरह से सुनती थी, बहुत एकाग्रता से, क्योंकि दादी जी की जो पॉइंट होती थी वो बहुत अपीलिंग होती थी और वो अंदर तक समा जाती थी। दादी जी की ज्ञान की पॉइंट हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उस पर बहुत शक्ति समाई हुई होती थी, इसलिए एक एक पॉइंट हमको बहुत बल देती थी। मैं देखती थी दादी जी छोटी सी छोटी बात पर कितना अच्छा विचार सागर मंथन करके मुझको सुनाते थे। एक बात मुझे हमेशा याद रहती है दादी जी की, कि जैसे एक मधुमक्खी होती है जो शहद बनाती है और एक दूसरी मक्खी होती है जो गंध पर भी बैठती है तो गुड़ पर भी जाकर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी या तो अपने छत्ते पर बैठेगी या फिर फूल पर बैठेगी। तो हमें बनना है मधुमक्खी, कभी इधर उधर भटकती हुई नजर नहीं आएगी। और उसका ऐसा डंक होता है, अगर कोई थोड़ा भी कुछ करे ना तो ऐसा काटेंगे जो जीवन भर याद रखेगा। तो मैंने देखा उस बात से अपने जीवन में कि हमें अपने समय को थोड़ा भी बर्बाद नहीं करना है। मेरा ये जीवन कितना मूल्यवान है, मुझे क्या करना है, मुझे अपना समय सदा ही श्रेष्ठ कार्य में लगाना, क्योंकि मैं कौन हूं, वो मधु इकट्ठी करने वाली मधुमक्खी हूं। तो ऐसी छोटी छोटी जो दादी जी की बातें होती थी जो मुझे बहुत प्रेरणा देती। और दादी जी हमारे पास में आए थे भिलाई में, और भिलाई का उस समय सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था। अभी भी कुछ लोग मिलते हैं तो वो बात को याद करते हैं। लगभग 25,000 की सभा थी, इतना बड़ा कार्यक्रम था, और दादी जी ने से सामने खड़े होकर के जो योग कराया, इतनी बड़ी सभा को एकदम गहरा साइलेंस का अनुभव कराया, वो अद्वितीय था। जो आज भी लोग याद करते हैं, इतनी बड़ी सभा और इतना साइलेंस। तो दादी जी की ऐसी तपस्या जिसके वाइब्रेशन से ही वो हो सका। अभी लास्ट में जब दादी जी हमारे पास में आए थे रायपुर में, तो हम ऐसे ही मिलने के लिए उनके पास गए। तो दादी जी ने, हम दो तीन बहनें ही थी, तीन चार बहनें ही थी, तो हमारी हंसा दीदी से भी दादी जी ने कहा, टाइम है अभी? कहाँ, अभी टाइम है। तो उन्होंने कहा हम रू रिहान करते हैं। उन्होंने हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के बारे में और किस प्रकार से सारे कारोबार को हमें चलाना है और कैसे अब चल रहे, उस पर इतनी सुंदर रू रिहान की जो जीवन पर एक अमिट छाप पड़ गई। और ऐसे महसूस हुआ कि दादी जी को अपना थोड़ा भी समय, जिस पर कितना ख्याल है कि अगर थोड़ा भी टाइम है तो इसको हमें कैसे सफल करना है, ये विशेषता अपनी दादी जी की देखी। और हम देखते थे कि इतनी बड़ी दादी, लेकिन अगर हमारी प्रकाशमणि दादी जी आते तो वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते और मुरली उनको देते। तो ये कितनी बड़ी महानता, जितनी श्रेष्ठ उतनी ही महान, उतनी ही नम्र, ये हमने दादी जी की विशेषता देखी। तो इस प्रकार मुझे तो दादी जी से बहुत जीवन में प्रेरणाएं मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमेशा हमेशा दादी जी की हमारे जीवन में सदा ही याद बनी रहेंगी।
दादी जी की एक पुस्तक ज्ञान के हीरे मोती जी, वो बहुत पॉपुलर थी जी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? उस पुस्तक को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें एक पॉइंट थी जो मुझे बहुत याद रहती है। दादी जी ने कहा था उसमें कि पुरुषार्थ का प्रारंभ ही समर्पण से होता है। जब तक हम समर्पण नहीं होंगे तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो पहला हमारे जीवन में चाहिए समर्पणमयता, और जितनी हमारे में समर्पणमयता होगी उतना ही हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो वो बात मेरे को हमेशा याद रहती है। आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को अपने अनुभवों से साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।